यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार ने कहा है कि सभी विद्यालयों को एक माह से अधिक का शुल्क एक साथ जमा नहीं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाएं 3 मई के बाद 15 दिन के अंतराल पर शुरू करवाई जाएगी। अपने विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। सबसे पहले हमने वित्त विहीन जो शिक्षक हैं उनके लिए एक आदेश को जारी किया है कि वित्त विहीन अध्यापकों को उनका वेतन का भुगतान अवश्य होना चाहिए। और दूसरा उन अभिभावकों के लिए किया है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, 3-3 माह का शुल्क एक साथ जमा कराने का क्रम कई विद्यालयों में चलता था, तो उससे कहा गया है कि 1 माह से अधिक का शुल्क जमा न कराएं। अगर 1 माह का शुल्क देने में भी किसी को कोई परेशानी है तो उसे अगले महीनों में समायोजित किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी एक उपाय किया है कि जो बढ़ी हुई हर साल जो फीस बढ़ा देते हैं विद्यालय लोग, तो वर्ष 2020 और 2021 में कोई भी विद्यालय अपने